हेलो ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज आपके गुजराती सेक्शन में रहेगा। लास्ट टाइम हमने करा था मारू परिचय, आज रहेगा जैसे हिंदी में आप लोग सीखे थे ना अनिता मैम से स्वर और व्यंजन, वैसे ही आज गुजराती के स्वर और व्यंजन हम रिपीट करेंगे। तो उसमें पहला अक्षर कौन सा रहता है व्यंजन में? क कमंडनु क, ख खटारानु ख, ग गणपतिनु ग, घ घरनु घ। फिर से रिपीट करेंगे, क कमंडनु क, ख खटारानु ख। और ये किसका ड्राइंग है? पहले भी बताया था आपको, खड़िया जो इंक पॉट रहता है ना, जिसको इंग्लिश में इंक पॉट बोलते हैं, हिंदी में दवात बोलते हैं, उसको गुजराती में क्या बोलते हैं? खड़ियू। ख खटारानु ख, ग गणपतिनु ग, घ घरनु घ। अब नेक्स्ट लाइन लेंगे, च चकलीनु च। जी के का जब बर्ड्स नेम कराए थे तब आपको बताया था ना चिड़िया को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में स्पैरो, हिंदी में चिड़िया और गुजराती में चकली। च चकलीनु च, छ छत्रीनु छ, ज जमरूकनु झ, झ झबलानु झ। वापस रिपीट करेंगे, च चकलीनु च, छ छत्रीनु छ, ज जमरूकनु झ और झ झबलानु झ। जो हिंदी में कुर्ता बोलते हैं ना, कुर्ता जो कुर्ता पहनते हैं ना पूजा के समय आपके पप्पा, उनको उसको गुजराती में क्या बोलते हैं? झबलू। अब नेक्स्ट लाइन लेंगे, ट टपाली नु ट। टपाली मीन्स पोस्टमैन, डाकिया। ट टपाली नु ट, ठ ठड़िया नु ठ। ठड़िया मीन्स सीड्स, जिसको हिंदी में बीज बोलते हैं, जो भी आप फ्रूट खाते हो या सब्जी खाते हो उसके अंदर से जो बीज निकलता है ना, जिससे हम दूसरा प्लांट लगा सकते हैं, उसको गुजराती में क्या बोलते हैं? ठड़ियू। ड डमरू नु ड, ड ढिंगली नु ड। ढिंगली मीन्स गुड़िया। फिर से लेंगे, ट टपाली नु ट, ठ ठड़िया नु ठ, ड डफली नु ड, ड ढिंगली नु ड। अब नेक्स्ट लाइन लेंगे, अण फैण नु ण। फैण मीन्स झाग, जो सांप रहता है जो अपनी फुफकार मारता है जिसमें से जहर निकलता है, तो जो झाग होता है ना उसको क्या बोलते हैं? फैण। अण फैण नु ण, त तलवार नु त, थ थड़ नु थ। थर्ड मीन्स रूट्स, जो प्लांट की जो रूट रहती है ना, जड़ रहती है, उसको गुजराती में क्या बोलते हैं? थर्ड बोलते हैं। द दड़ानु द, दड़ा मीन्स बॉल, गेंद। फिर से लेंगे, अण फैण नु ण, त तलवार नु त, थ थड़ नु थ, द दड़ानु द। अब नेक्स्ट लाइन लेंगे, ध धजानु ध। धजा मीन्स फ्लैग, झंडा। ध धजानु ध, न नगड़ानु न, प पतंग नु प, फ फड़ नु फ। फिर से देखेंगे, ध धजानु ध, न नगाड़ानु न, प पतंगनु प और फ फलनु फ। अब नेक्स्ट लाइन लेंगे, ब बकरीनु ब। बकरी मीन्स गोट, पता है ना उसको हिंदी और गुजराती दोनों में बकरी बोला जाता है। ब बकरीनु ब, ब भमेड़ानु भ। भमेड़ा मीन्स लट्टू, टॉप बोलते हैं ना जिसको इंग्लिश में, उसको क्या बोलते हैं गुजराती में? भमरड़ो। ब भमेड़ानु भ। म मरचानु म, मरचा मीन्स मिर्ची, चिली। य यति बाबानु य, जो यज्ञ करते हैं ना, जो महाराज रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। फिर से लेंगे इस लाइन को, ब बकरीनु ब, भ भमेड़ानु भ, म मरचानु म और य यति बाबानु य। अब नेक्स्ट लाइन पर जाएंगे, र रथनु र, ल लखोटानु ल, व वकनु व, श शरबतनु श। फिर से देखेंगे, र रथनु र, रथ मीन्स तो आपको पता है ना, जिसके आगे घोड़े बंधे हुए रहते हैं, है ना। ल लट्टू नु ल, लखोटा, जो जिसको लखोटी बोलते हैं, मार्बल्स बोलते हैं इंग्लिश में, उसको क्या बोलते हैं गुजराती में? लखुटो। फिर व वकनु व, जो छोटी बोट रहती है ना जिसको हिंदी में नाव बोलते हैं, उसको गुजराती में क्या बोलते हैं? वक। व वकनु व और श शरबतनु श। यहाँ तक समझ में आया सबको बेटा? शरबत पीना अच्छा लगता है ना गर्मियों में। अब नेक्स्ट लाइन लेंगे, श षटकोणनु श, ऐसा एंगल जिसके सिक्स कॉर्नर्स रहते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6, सिक्स एंगल है ना, उसको क्या बोलते हैं? षटकोण बोलते हैं। स ससलानु स, ससला मीन्स खरगोश, रैबिट। ह हरणनु ह, हरण मीन्स डियर, हिरन। अण नल नु ण, नल, जो टॉप्स रहते हैं ना, नल टैप, उसको गुजराती में क्या बोलते हैं? नण। न नणनु ण। फिर से लेंगे, श षटकोणनु श, स ससलानु स, ह हरणनु ह और ण नणनु ण। अब लास्ट के दो देखेंगे, श क्षत्रियनु श और ज्ञ ज्ञानीनु ज्ञ।
सशत्री अनुष जो युद्ध लड़ता है ना, आप लोगों ने सुनी होगी राजा महाराजा की स्टोरीज, उनको क्या बोला जाता है? क्षत्रिय। और ज्ञा ज्ञानी नु ज्ञा, जो जिनसे हमको ज्ञान प्राप्त होता है ना, जो ज्ञान जिनके पास बुक्स रहती हैं, जैसे कि टीचर्स हुए आप लोगों के, जो आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ज्ञानी नु ज्ञा। आई होप आप लोगों को ये व्यंजन समझ में आए होंगे। गुजराती के कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं गुजराती के जो हिंदी में भी सेम टू सेम रहते हैं, जैसे कि घ है, माँ है, ता है, सबका लिखने का तरीका सेम रहता है, खाली सिर पर लिडी नहीं बनती है, तो वो कैसे हो गए? गुजराती के व्यंजन हो गए। और कुछ कुछ जो व्यंजन रहते हैं उनका लिखने का तरीका अलग रहता है, आप लोगों को इसको बार बार रिपीट करना है। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? गुजराती के स्वर देखेंगे। जैसे हिंदी के स्वर होते हैं वैसे ही सेम टू सेम उनको गुजराती में भी वैसा ही बोला जाता है, लिखने का तरीका सिर्फ बदल जाता है, मात्राएं सेम रहती है। चलो देख लेते हैं, पहला कौन सा है? अ अजगर नु अ, आ आग बोर्ड नु आ, आप कुछ भी बोल सकते हो, आग बोर्ड हुआ। आग बोर्ड मीन्स जिसमें से धुआं निकलता है ना, जैसे कि बड़ी बड़ी शिप्स हुई, रेलगाड़ी हुई, जिसमें से ऐसे धुआं निकलता हुआ हमको दिखता है, ज़्यादा मात्रा में जिसमें से धुआं निकलता है, उन चीज़ों को क्या बोला जाता है? आग बोर्ड। अ अजगर नु अ, आ आग नु अ, ई इल नु ई, ये कौन सी है? छोटी ई है। जैसे आप हिंदी में लिखते हो छोटी ई, वैसे ये गुजराती का छोटी ई है। ये कौन सा है? बड़ी ई, ई ईखनू ई। जो भी आपकी जैसे खाट रहती है, तिपाई रहती है, उसकी जो किनारी होती है ना, उसको क्या बोला जाता है? ईख। फिर से देखेंगे इस लाइन को, अ अजगर नु अ, आ आग बोर्ड नु आ, ई इल नु ई, ई ईखनू ई। यहाँ तक आया समझ में? नेक्स्ट लाइन लेते हैं अब, ऊ उंदर नो ऊ, उंदर मीन्स चूहा, छोटा ऊ है ये। जैसे आप हिंदी में इसकी मात्रा ऐसे लगाते हो ना और लिखते ऐसे हो, और बस गुजराती में इसको थोड़ा सा ऊपर फोल्ड कर देते हैं, ये छोटा ऊ ही है हिंदी वाला। ऊ उंदर नो ऊ, ऊ ऊंट नो ऊ, जो बड़ा ऊ हिंदी में लिखते हो ना ऐसे करके, इसमें कैसे लिखते हैं? ऐसे करके पूरा नीचे घुमा देंगे, इसके सिर पर ओढ़नी डाल देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बड़ा ऊ। ओ ऊ ऊठ नो ऊ, ए एड़ी नु ए, या ए एरोप्लेन नु ए, ये कौन सी है? सिंगल वाली मात्रा ए वाली। आई एरावत नु आई, एरावत पता है आपको? एक एलिफेंट है जिसकी कितनी 7 ट्रंक रहती है। वो कहाँ पर पाया जाता है? वो एक ही एलिफेंट है ऐसा, वो स्वर्ग में होता है, उसको क्या बोलते हैं? एरावत। फिर से देखेंगे इस लाइन को, ऊ उंदर नो ऊ, ऊ ऊंट नो ऊ, ए एरोप्लेन नु ए, आई एरावत नु आई। यहाँ तक आया बेटा समझ में? अब नेक्स्ट लाइन लेंगे, ओ ओशिको नु ओ, ओशिको मीन्स तकिया, जिस पर सोते हो ना उसको क्या बोलते हैं गुजराती में? ओशिकु। औ औषध नो औ, औषध मतलब दवाई, औ औ औषध नो औ, अम अंगूठो नो अम, अम जो सिर पर बिंदी लगाने वाली मात्रा बताए थे ना आपको अनिदा मैम, उसको भी गुजराती में अम की मात्रा ही बोलते हैं। अम अंगूठो नो अम, ये जो आपका थंब रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अंगूठा, और गुजराती में अंगूठो। फिर से देखेंगे, ओ शिको नो ओ, औ औषधि नो औ, अम अंगूठो नो अम। अब लास्ट लाइन लेंगे, अनम अन कुछ नहीं, आह आपने देखा होगा ये मात्रा लगती है, लेकिन कभी भी स्टार्टिंग में नहीं लगती है, एंड में लगती है, जिसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। ऐसे शब्दों को किस में यूज़ करा जाता है? शब्दों के बीच में या एंड में। जैसे कि एक शब्द मैं आपको बताऊं, क्रम ह, ये कौन सी दो मात्रा ह की है? ये यहाँ पर लगी, क्रम श ह, ये कौन सी मात्रा हुई? एंड में लगी। ये कौन सी मात्रा है? आना मना कुछ नहीं वाली। और जैसे हिंदी के स्वर में बीच में आता है ना रही से ऋषि बाबा, गुजराती में एंड में आता है। अम अन्ना मन्ना कहीं ना थी, और एंड में क्या आएगा? दी से ऋषि बाबा। आप लोगों को इस चीज़ को 2-3 बार कम से कम दिन में रिपीट करना है। और पेरेंट्स, आई होप आप लोगों आप बच्चों का रिवीजन ले रहे होंगे। ओके, थैंक यू। इतना भी बोलने उसमें।